उठाइएगा बोलने देंगे, अभी नहीं, प्रश्नोत्तर के बाद उठाइएगा बोलने देंगे। अब प्रश्नकाल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। भाई वीरेंद्र मैं पढ़ने दूंगा आपको, लेकिन शून्यकाल में उठाइएगा प्रश्नोत्तर के बाद। प्रश्नोत्तर बैठिए, आप ही बैठाइए ना, आप ही नेता है, बैठाइए अपने लोगों को। भाई वीरेंद्र लेकर हटवाइए सब। संजय सरावगी, अध्यक्ष महोदय पूछता हूँ, उत्तर मुद्रित है अध्यक्ष महोदय, पूरा कुछ अध्यक्ष महोदय उत्तर मुद्रित है। पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 4706 करोड़ में से 826 करोड़ के अनुबंध को 826 करोड़ के अनुबंध के टेंडर को स्वीकृति नहीं दी गई है, जबकि मेरा यह पूछना है कि क्या माननीय मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या 4706 करोड़ के में से 4706 करोड़ मतलब सभी टेंडर को जो है अस्वीकृत किया गया है? और मेरा पूरक प्रश्न ये भी है अध्यक्ष महोदय कि 4706 करोड़ की निविदा 7-8 महीना पहले हुई अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पानी का हाहाकार पूरा बिहार में मचा हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस पानी के लिए विलंब जो हुआ, क्योंकि निविदा सभी 4706 करोड़ की अगर अधिकृत हो रद्द हो गई तो इतना विलंब हुआ पानी की जलापूर्ति में, तो इसमें क्या जिसके कारण यह निविदा, जिनके गड़बड़ियों के कारण यह निविदा रद्द हुई, और ये एक तो ये कि कब तक यह निविदा होके पूरी हो जाएगी, दूसरा जिनके कारण रद्द हुआ उन पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए, यहाँ बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, कहीं छपेगी भी नहीं। हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन बिल में कैसे बोल सकते हैं आप? अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बिल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वो है कि हम लोग 4706 करोड़ का निविदा रद्द किए हैं, लेकिन माननीय सदस्य को पता होना चाहिए ये निविदा हम लोग दो स्तर पर रद्द किए हैं। पहले 800 कुछ करोड़ का निविदा रद्द किया गया था, जो सिंगल टेंडर होने की वजह से ये निविदा रद्द हुआ था। बाद में हम लोगों ने 3500 करोड़ का निविदा रद्द किया, जो टोटल मिला करके 4600 कुछ करोड़ का निविदा होता है। माननीय सदस्य को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो पहले टेंडर रद्द किया था 800 कुछ करोड़ का, उसको हमने टेंडर निकाल दिया है, उसका वो टेंडर निकला हुआ है, वो डिसाइड होने ही वाला है और बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और जो निविदा बाद में कैंसिल हुआ है उसको भी बहुत जल्द हम लोग टेंडर में 2-3 दिन के अंदर चला जाएगा, और वो भी टेंडर का जब निष्पादन हो जाएगा तो हम समझते हैं कि समय पर उसका काम भी हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि दोबारा मैंने 3506 करोड़ का टेंडर रद्द किया या कैंसिल किया, तो क्या माननीय मंत्री जी उस 3506 करोड़ के रद्द या कैंसिल करने के कारणों की जांच कराएंगे, और कारणों की जांच कराते हुए जो जो दोषी है क्या उन पर कार्रवाई करेंगे, और समयबद्ध जो है जांच कराकर कार्रवाई पर दोषी करें पर कार्रवाई करेंगे, और ये कब तक योजना फिर से पुनः चालू हो जाएगी, क्योंकि पानी का हाहाकार मचा हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, ये निविदा एक हफ्ते के अंदर चला जाएगा और 100 समय इसका निविदा का निष्पादन भी हो जाएगा और समय पर लोगों को पानी भी मिलेगा। और जो इसका रद्द करने का रीजन है उसमें हम लोगों ने संशोधन किया है, जो पहले का एस्टिमेट बना हुआ था उसमें कई तरह का संशोधन किया गया है, कई टोले छूटे हुए थे, कई गांव छूट गए थे, जिस तमाम को हम लोगों ने इकट्ठा करके टेंडर निकालने का प्रक्रिया पूरी तरह पूर्ण कर लिया गया है, एक हफ्ते के अंदर टेंडर में चला जाएगा। एक एक अध्यक्ष महोदय,
जवाब आया, पूर्ण जवाब नहीं आया। मैंने ये कहा अध्यक्ष महोदय, 3506 करोड़ का टेंडर जो दोबारा रद्द किया गया, उसके कारणों की कारण टोला मोहल्ला टोला में तो दोबारा फिर से वो हो सकता था, लेकिन 3506 करोड़ का टेंडर जो इन्होंने दोबारा कैंसिल किया, क्या उनके जांच कराएंगे कारणों की, और समयबद्ध जांच कराकर जो लोग दोषी होंगे उन पर क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री जी? मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा टेंडर कैंसिल हुआ या रद्द हुआ? कई कारण है, जो विभाग में छूटे हुए चीज थे उनको हम लोगों ने ऐड कराया है, और गड़बड़ी का भी हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बैठ जाइए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, बैठ जाइए, ऐसे मत करिए। आप लोग संगठन चलाते हैं कर्मचारियों का, और अगर टेबल उठेगा तो कुछ को चोट लगने वाली है, कर्मचारियों को लगने वाली है, इनकी नेतागिरी आप करना चाहते हैं, और ये कर्मचारी हमारे नहीं है, विधानसभा कर्मचारी है, पहले भी जो अध्यक्ष थे उनके भी कर्मचारी यही थे, हम हैं तो मेरे भी हैं, आप कभी आइएगा आपके लिए वही काम करने वाले हैं। कहा गया कर्मचारी झंडे चलाते हैं, कर्मचारियों को आप दंडित करना चाहते हैं, उनको चोट लगाना चाहते हैं, विरोध करने का आपको अधिकार है, विरोध करिए, लेकिन तरीके से करिए ना, टेबल क्यों पीटते हैं, टेबल क्यों उलटते हैं, बैठिए अपने स्थान पर, अपने स्थान पर जाइएगा, सारी बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। श्री अरुण संजय प्रसाद, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खंड एक में जो उत्तर दिया है उसमें अभी भी इन्होंने बताया है कि 12 करोड़ के आसपास राशि बची हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये राशि आपको कब प्राप्त हुई थी विभाग को, और जितना अभी आपने वितरण किया है उसमें कितने दिन लगे हैं, और इसके वितरण में और कितने दिन लगेंगे, जबकि आपका इसी प्रकार की स्थिति सिवान एनएच 227 ए की है, इसी प्रकार की स्थिति कटिहार का एनएच 131 ए का है, इस प्रकार से दर्जनों एनएच की सड़के भू अर्जन पदाधिकारियों के सुस्ती के कारण फंसे हुए हैं। और महोदय पूरा की मैं पूछ लिया हूँ, महोदय पूरा पूछ लिया हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 40,82,45,422 रुपया कुल जो है इनका पश्चिम चंपारण एनएस 727 के लिए आया था, लेकिन उसमें सरकारी भूमि का रैयतीकरण अस्वीकृत होने के कारण 23,67,00,000 रुपया ये सरकारी भूमि का पैसा था, मात्र 17 करोड़ रुपया ही जो है भू स्वामी को भुगतान करना था, और इस 17 करोड़ रुपया में हमने 4,81,41,019 रुपया भुगतान कर दिया है, और जो पैसा अभी भुगतान नहीं हुआ है, जो चिंता माननीय सदस्य का है कि अभी तक ये भुगतान क्यों नहीं किया गया, मेरी भी जानकारी में ये बात आई, इस भुगतान में इतना समय नहीं लगना चाहिए था, इसलिए हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र निर्गत किया है कि आप स्पष्ट कीजिए कि इस भुगतान में इतना देरी क्यों हो रहा है, और उसकी प्रतिलिपि भी माननीय सदस्य को हम दे रहे हैं, और हमने टेक्निकली माननीय सदस्य के मन में जो भी क्वेश्चन होगा वो सब बात हमने इसमें लिखा है, हो गया, और मैं वो पत्र आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया, माननीय मंत्री जी से ये पूछा था कि ये राशि कब प्राप्त हुई और कितने दिन विलम्ब से वितरित हुआ, और दूसरा मेरा सवाल है कि जो पदाधिकारी इतनी सुस्ती बरत रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें सुस्ती हो रही है, उसके कारण एनएच के निर्माण में बाधा हो रही है, तो क्या कोई ऐसी नीति बनानी चाहती है कि जो पदाधिकारी विलंब करे उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का, दंड देने का, अगर सरकार बनाने का विचार करती है? माननीय मंत्री जी, कब राशि प्राप्त हुआ कुछ उनका बाद में दे दीजिएगा, आगे बताइए, हो गया जवाब दे देंगे, जानकारी दे देंगे। श्री तारकिशोर प्रसाद, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पूरा पूछिए तारकिशोर जी, हाँ पूरा की पूछ रहे हैं श्रीमान, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ 4 योजनाओं
के लंबित होने का जिक्र किया है अमृत जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत, तो ये चार योजनाओं के लिए इन्होंने जो समय निर्धारित किया है कि तीन योजना अगस्त 2024 तक होगी और एक योजना दिसंबर 2024 तक पूर्ण होगी। लेकिन महोदय, हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कटिहार जिला में ही बुडको के द्वारा श्मशान घाट का काम चल रहा है, स्टॉप वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है और अमृत जल आपूर्ति योजना का काम चल रहा है और सिर्फ एक सहायक अभियंता के भरोसे में काम चल रहा है। पूरा की पूछ रहे हैं। अरे भैया बात नहीं, नहीं पूरा की पूछ रहे हैं। और परियोजना निदेशक एक है जो 6 अलग-अलग जिलों के प्रभार में है, तो ये किस प्रकार से दावा करते हैं कि ये निर्धारित समय तक ये योजना पूरी हो जाएगी? माने और इनके पास कोई इंजीनियरिंग कैडर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन योजनाओं की चर्चा की 2020 में ये योजनाएं शुरू हुई और उसमें से 27 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं 36 में से, जो 5 योजनाएं वेरिएशन के कारण रुकी हुई है उसको वेरिएशन करके पूर्ण किया जाएगा और शेष 4 योजना का